हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13th of September और अभी हम जा रहे हैं KTM एंड हस्की वर्ना डीलरशिप, जो कि अभी नया यहाँ पे भुवनेश्वर में खुला है। और आज जाने का वजह है क्योंकि उनके जो डीलरशिप के ओनर है वो मुझे इनवाइट किए हैं टू चेक आउट द न्यू हस्की वर्ना स्वाट पिलन 250। ये काफ़ी एक यूनिक एंड इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम एन इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल हैज़ अटेम्प्टेड टू मेक समथिंग लाइक अ स्क्रैम्बलर। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी दिस बिकॉज हस्की वर्ना एक काफ़ी फेमस कंपनी है इन यूरोप एंड ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। सो हस्की वर्ना इन इंडिया इज़ कम्प्लीटली न्यू और इसको लोग अभी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं वो देखना है, बट आई फील दैट इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू गो एंड हैव अ लुक एट लीस्ट। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी द एंटायर वीडियो। So guys, this is the Husky Varna Smart Pillion. These are the first bikes that Husky Varna is bringing to India. The Smart Pillion and the Wit Pillion. तो ये दो kind of models है। तो ये वाला जो मैं इसमें बैठा हूँ इसको बोलते हैं Smart Pillion. Smart Pillion का मतलब होता है Black Arrow, इसलिए इसका color भी black है. And इसकी जो engine है और the entire bike, दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन दी चकान प्लांट बाई बजाज। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे जो कि ऑलरेडी हमारा पिछले KTM 250 ड्यूक में ऑलरेडी है एंड यू फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़। बट द बिगेस्ट थिंग इसमें जो चेंजेस है इसकी यूनिक डिज़ाइन। तो यहाँ पे इंडिया में लोग हस्की वर्ना के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली नया चीज़ है एंड ये जो कंपनी है काफ़ी पुराना कंपनी है। ये बाइक्स बना रहा है फ्रॉम 1903 एंड ये कंपनी को दूसरे कंपनीज़ भी खरीद चुके हैं ऑलरेडी, लाइक BMW इसको खरीद चुका है पहले एंड फाइनली अभी ये KTM के साथ है। एंड ये जो कंपनी है काफ़ी फेमस है इन यूरोप फॉर मेकिंग डर्ट एंड वेरी डर्ट बाइक्स एंड वेरी अदर यूनिक बाइक्स। तो ये जो दो मॉडल्स है अभी फ़िलहाल इंडिया में लॉन्च्ड है, तो एक है आपका स्मार्ट पिलन और एक है विट पिलन। तो दोनों में मिलेगा आपको 250cc इंजन जो कि पहले ड्यूक 250 में था एंड इसको इन्होंने ट्यून किया है डिफरेंटली फॉर दिस बाइक। सो गाइस, ये दोनों बाइक्स है काफ़ी स्पेशल है। ये जो स्मार्ट पिलन है दिस इज़ स्पेशली अ काइंड ऑफ स्क्रैम्बलर एंड जो विट पिलन है वो एक कैफे रेसर है। इसमें यू कैन नो बाय देम बाय सीइंग दी हैंडल बार। इसमें एक वेरी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल पोजीशन हैंडल बार है जो कि आपका विट पिलन में आपको मिलेगा क्लिप ऑन्स। तो दिस इज़ फॉर एवरीडे राइडिंग एंड आप इसको आराम से ट्रैफिक में चला सकते हैं। सो एज आई सेड, इसकी यूनिक फीचर है इसके डिज़ाइन। आप नॉर्मली ऐसे डिज़ाइंड मोटरसाइकिल्स आपको इंडियन मेकर्स में मिलेगा नहीं, बट हस्की वर्ना ने इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन दी है। तो ये जो स्मार्ट पिलन है इसमें ऐसे यूनिक टैंक मिलते हैं, वेरी डिटेल्ड। यहाँ पे इसकी लोगो है विच इज़ रिटन एज स्मार्ट पिलन एंड हस्की वर्ना। तो ऊपर में एक काइंड ऑफ मिलता है ग्रैब रेल जिसमें लगेज कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक 9.5 लीटर टैंक है एंड आई वुड से दिस इज़ नॉट वेरी मच रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग राइड्स। आप इसको नॉर्मल सिटी राइड्स वगैरह कर सकते हैं आराम से, लॉन्ग राइड्स के लिए ये इतना सूटेबल नहीं है। सो गाइज, इसमें जो स्विचेस एंड हैंडल बार है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द KTM। ये पूरा एक बेसिक स्विच कंसोल है। यहाँ पे आपका किल स्विच है, इग्निशन ऑन एंड ऑफ, हॉर्न, इंडिकेटर्स एंड दी पास स्विच। तो ये सारे पार्ट्स आपको पहले वाले KTM पे मिलेंगे। और इसकी इसका जो कंसोल है वो भी काफ़ी बेसिक है बट इट्स वेरी नाइस एंड यूनिक। इसको उन्होंने एक सर्कुलर डिज़ाइन दिया है
एंड यहाँ पे इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक गियर इंडिकेटर, फ्यूल गॉज, इंजन टेम्परेचर, टाइम. सो गाइज, इसका जो हेडलाइट है इट इज़ रियली नाइस, सर्कुलर इन शेप, एंड इसमें एक रनिंग DRL भी ये लोग ने दिया है. तो दिस इज़ अ वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर एज दैट ऑफ दी स्क्रैम्बलर्स. तो और उसके साथ इंटीग्रेटेड किया है ये वेरी यूनिक लुकिंग LEDs. काफ़ी अच्छा है इन दिस प्राइस पॉइंट, बिकॉज ये जो लुक है ये काफ़ी कंप्लीट लगता है विद दिस काइंड ऑफ सेटअप. इसके रियर भी जो है काफ़ी इंटेलिजेंटली इन्होंने बनाया, डिज़ाइन किया है. एंड यहाँ पे इट्स लाइक हम लोग आफ्टर मार्केट लगाते हैं फॉर TLTID. यहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी हस्की वर्ना हैज़ टेकन केयर ऑफ इट. और उन्होंने डुकाटी DIVL जैसा एक रियर टायर हगर दिया है, और आप अपना नंबर प्लेट यहाँ पे इसको माउंट कर सकते हैं. गाइस, इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट जो दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें अच्छा खास हस्की वर्ना का ब्रांडिंग किया है. एंड इसमें आता है दोनों में MRF टायर्स, जिसमें अच्छा ग्रिप है. गाइस, मेरा हाइट है 5 feet 10 inches टॉल, एंड इसकी जो सीट हाइट है इट इज़ अबाउट 842 mm. तो ये शॉर्ट राइडर्स के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है. तो इसमें अगर मैं बैठता हूँ तो मैं भी इसमें मेरा पैर कम्प्लीटली नीचे नहीं आता है. आई एम अ लिटिल बिट टिप टोइंग हियर. तो शॉर्ट राइडर्स के लिए ये गाड़ी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है. तो गाइस, अभी इसका एग्जॉस्ट नॉट थोड़ा सुनते हैं एंड देखते हैं इसकी एग्जॉस्ट नॉट सेम है ड्यूक 250 जैसा या थोड़ा बहुत चेंज किया है. Guys, that was the Husky Verna SWAT Pillin, and बहुत ही अच्छा बाइक था. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. बजाज ने ऐसा कुछ एक बनाया है अपना प्लांट पे, एंड दे हैव बिन यूजिंग दिस 250 cc इंजन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. आपने देखा होगा उसको यूज़ किया है डोमिनार 250 में, एंड इट इज़ ऑल्सो द सेम इंजन जो कि उन्होंने यूज़ किया है इन द KTM 250. सो एक इंजन यूज इन मल्टीपल बाइक्स, बजाज इज़ प्लेइंग अ वेरी क्लेवर गेम हेयर. एंड अभी देखना है कि ये बाइक को हमारा इंडियन क्राउड एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, बिकॉज दिस बाइक हैज़ बिन ऑल्सो प्राइस्ड एग्रेसिवली ऑन रोड. इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 2.07 lakhs, विच इज़ क्वाइट अपीलिंग टू कम्यूटर्स हेयर इन इंडिया. एंड इसकी जो इंजन है, वी नो दिस इट्स 250 cc इंजन, एंड ये श्योरली एक माइलेज ऑफ अराउंड 30 to 35 देगा इन द सिटी राइडिंग कंडीशन, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर हम कंपेयर करें टू दी अदर बाइक्स. सो द कैच हियर इज़ दैट लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बिकॉज द ओनली रीज़न आई फाइंड दैट वन वुड बी विलिंग टू बाई दिस मोटरसाइकिल इज़ द यूनिक डिज़ाइन. अगर किसको वो स्क्रैम्बलर वाली लुक बहुत पसंद है, तभी देन दे विल प्रोबेबली थिंक ऑफ गोइंग टू बाई दिस हस्की वर्ना. Otherwise, it will be very difficult for them to sell this motorcycle, because इसकी जो looks है वो काफ़ी compact है, and when somebody is going to pay more than 2 lakhs of rupees, you know the Indian mentality, उनको कुछ एक बड़ा चाहिए. So उसको अगर देखें तो the bike is very very beautiful and इसकी design is very very unique. So let's see. I hope that आगे Husky Verna also tries to bring those other interesting unique bikes that they are using in European markets, and देखते हैं आगे Indian mentality and the Indian market कैसे इस brand को accept करती है. So I hope you guys enjoy this video. Thank you for watching it till the end, and I hope you will like, share and subscribe this video, because वो मुझे बहुत help करेगा. Thank you very much. Have a nice Sunday. Bye bye. Ciao.